Next question. TTC PLC has been growing at the rate of 20%, that is super normal growth rate in the recent years. The same growth rate is expected to last for another 2 years. So यही रेट से हम लोग और 2 साल के लिए ग्रो करेंगे. Just paid dividend is 1.6 pound. Cost of equity is 10% and the normal growth rate is 6%. What is TTC stock worth today? यानी आज का प्राइस क्या है? That is a question. What are its expected dividend yield and capital gain yield at this point of time? That is a question. Dear students, I just give you explanation how to do answer. I want you to tell me answer of the question. Question में पूछा है हमको dividend yield calculate करके बताइए. और question में हमको पूछा है, let's say you are required to compute the capital gain yield. Dividend yield का calculation कैसे होगा? It is D1 upon P0 into 100. This is the dividend yield. Capital gain yield का calculation कैसे होगा? P1 minus P0 divided by P0 into 100. यानी क्या होगा कि जितना भी हमको dividend income मिलता है against the current price, that is what we understand is the dividend yield. और capital gain yield का मतलब क्या है? Change in the price of the security over the current price of the security into 100. I request you to do answer for both the questions and please put your answer in the chat box. Let us have understanding how to do answer. सारे students पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए. मैं आपको समझाता हूँ कि answer कैसे करने का है. हम लोग answer नहीं कर रहे, हम लोग पहले समझ रहे हैं कि कैसे करने का है. देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको सबसे पहले P0 find करना पड़ेगा. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दैट्स द 20% का सुपर नॉर्मल का ग्रोथ रेट और 2 साल तक कंटिन्यू रहेगा. सो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वी अंडरस्टैंड दैट्स द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड पर शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. इट इज 1.60 इनटू 1.20 1.60 इनटू 1.20 रेज़ टू 2. तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा 1.92, सेकेंड ईयर का डिविडेंड होगा 2.304. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द डिविडेंड पर शेयर. उसके बाद हम लोग P2 का कैलकुलेशन करेंगे. P2 का कैलकुलेशन कैसे होगा? D3 अपॉन KE माइनस C. सो 2.304 इनटू नॉर्मल ग्रोथ रेट 6% डिवाइडेड बाय के माइनस सी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 10%. ग्रोथ रेट कितना है? ग्रोथ रेट है 6%. सो वी अंडरस्टैंड 2.304 इनटू 1.06 डिवाइडेड बाय 4%. दैट कम्स टू 61.056. यानी कि एक इन्वेस्टर आज सिक्योरिटी बाय करेगा तो उसको फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा? 1.92 रुपए. उसको सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा? उसको सेकेंड ईयर में मिलेगा 63.36. तो ये हमारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो है. उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करना है यूजिंग 10% एज द डिस्काउंटिंग फैक्टर. सो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 1.92 63.36 1 डिवाइड बाय 1.1. It is 0.9091, 0.8264, 1.92 into 0.9091. So 1 rupee 74 paise. 63.36 into 0.8264, 52.36. So 1.74 plus 52.36, that comes to 54.10. तो ऐसा करके हमको सबसे पहले P0 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला वाले. फिर देखो, फर्स्ट वाला जो डिविडेंड यील्ड है उसका कैलकुलेशन तो एकदम आसान हो गया. दैट इज फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, दैट इज 1 रुपी 92 पैसे
यानी कि एक इन्वेस्टर, एकदम गौर से सुनो, एक इन्वेस्टर जब ये सिक्योरिटी खरीदता है उसको फर्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना मिलता है? 1.92. व्हाट इज द प्राइस एट विच ही हैज परचेज द सिक्योरिटी? ही हैज परचेज द सिक्योरिटी एट 54.1 इनटू 100 करेंगे, दैट कम्स टू 3.55%. यानी क्या हुआ, डिविडेंड यील्ड इज 3.55%. ऐसा हम लोग समझते हैं. Now, capital gain yield कैसे होगा? P1 upon P0. यानी क्या हुआ, हमको first year का price find करना पड़ेगा. First year के price के लिए हमको ऐसा समझना है, we purchased a security at the end of the first year. यानी यहाँ पे हमने security खरीदा. ऐसा हम लोग समझते हैं. So, this becomes year zero. This becomes year zero and this becomes end of year one. ऐसा हम लोग समझते हैं. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, ईयर वन 63.36 इंटू 0.9091 तो क्या होगा 57.60. तो ये हो जाएगा P1 57.60. ओके, यानी इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, 57.60 माइनस 54.1 अपॉन 54.1 इनटू 100. न्यूमरेटर इज द एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. दैट इज 3.50 अपॉन 54.1 इंटू 100. यानी क्या होगा, 6.5% का हमको प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट ओवर हियर, हाँ सॉरी 6.45% 4.6 है तो 45 लिख देते हैं. सो वी अंडरस्टैंड दैट ओवर हियर से डिविडेंड का रिटर्न क्या हुआ 3.55, कैपिटल गेन का रिटर्न क्या हुआ 6.45%. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द आंसर. इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, हम लोग P1 कैलकुलेट करने के लिए वी कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला D2 अपॉन KE-C. क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में ये ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट फॉर परपेचुटी नहीं है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा, एकदम गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स. दूसरा मैं ऐसा बोल रहा हूँ दैट से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो 3.55 और ये 6.45 का टोटल है ना, हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जितना ही होगा. दैट इज 10% इन दिस एग्जांपल. इन अ वे दैट से हमको क्या समझने का है कि एक इन्वेस्टर अगर आज सिक्योरिटी बाय करता है और एक साल के लिए होल्ड करता है, आज वो बाय करता है और एक साल के लिए होल्ड करता है, तो उसको क्या मिलेगा, ओवरऑल 10% का रिटर्न मिलेगा. एक कैपिटल गेन के फॉर्म में और दूसरा डिविडेंड के फॉर्म में. दैट इज द वे से वी आर रिक्वायर्ड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटल गेन यील्ड एंड डिविडेंड यील्ड कैलकुलेशंस. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. डिविडेंड यील्ड means return to investor in form of dividend income. Full stop. Capital gain yield means return to investor in form of
appreciation of price of security. तो फ्रेंड्स एप्रिसिएशन भी हो सकता है और डिप्रिसिएशन भी हो सकता है, तो उस केस में कैपिटल लॉस होगा। वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पर शेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड इनकम कितना है? इट इज 1.60 इनटू फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट क्या है? 6%। सेकेंड ईयर का अगेन 20% 1.20, सेकेंड ईयर का 1.6 इनटू 1.20 रेस टू 2, थर्ड ईयर का 1.6 इंटू 1.20 रेस टू 2 इंटू 1.06। सो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड पर शेयर है 1.92 रुपए, 2.304, तो पहले 3 साल का डिविडेंड। वर्किंग नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ P2, इट इज D3 डिवाइडेड बाय K-C, 2.442 डिवाइडेड बाय 10% लेस 0.06। दैट इज 61.05। दैट इज द वे द P2 इज फॉर्म। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ P0, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का 1.92, सेकेंड ईयर का है 2.304 प्लस 61.05, That is 63.354. ये दोनों कैश इनफ्लो को हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ईयर फैक्टर इज 9091, सेकेंड ईयर इट इज 0.8264। 1.92 into 0.9091, so 1.75 rupees. Sixty-three point three five four into 0.8264. 52.36. ऐसा करके हम लोग P0 का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ P1, उसमें सिर्फ 1 साल का ही कैश फ्लो सीरीज बनेगा। कैश इनफ्लो इज 63.354,
discounting at 10%. Point 9091 57.60. That is the way the P1 is supposed to be formed. Now ये P1 का भी calculation हो गया. अभी हम लोग yield का calculation करेंगे. Yield में दो type के yield आएंगे. एक आएगा capital gain का yield और दूसरा आएगा dividend का. कैपिटल गेन यील्ड कैसे कैलकुलेट होगा? D1 अपॉन P0 इनटू 100. D1 का कैलकुलेशन कैसे होगा? 1.92 अपॉन 54.11 इनटू 100. Capital gain yield. It is P1 minus P0 upon P0. तो 6.45. एंड फ्रेंड्स, एज अ मैटर ऑफ वेरिफिकेशन, इन दोनों का टोटल हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जितना ही होगा, दैट इज 10%. चलो विद पैराग्राफ राइट डाउन. ऑलवेज टोटल ऑफ बोथ will be equal to cost of equity, that is 10%. ऐसे questions में कई बार मैंने ऐसा देखा है कि students are not aware कि हमको answer कैसे देने का है. उनको ये values सब कैसे calculate करना वो पता है, पर this is what they are expecting, वो उसके लिए कई बार students को doubt होता है. So just make sure that all of you are clear with this.